तो अभी जी गाड़ी हमारी आ गई है और अभी हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हमें ठीक ठाक हैं, तुम ठीक ठाक हो? खुश आबाद, अल्लाह पाक खुश रखे, लंबी जिंदगी दे। अभी जरा ना त्रै का टाइम हो गया है, चलना माशाल्लाह। आज अम्मी को मैंने जबरदस्ती तैयार कराया, मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, अपने दुख वगैरह सब कुछ छोड़ो और अच्छे से तैयार हो। कपड़े नए पहनाए? हाँ, कपड़े भी अम्मी को नए पहनाए और जूता दूसरा पहन के जा रही थी, वो जो ललून का होता है वो पहन के। मैंने अम्मी से कहा कि नहीं, ये वाला जूता नहीं पहनना, जूते में पाके तोड़ नहीं सकती, कुछ नहीं होता, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह अम्मी मेरी। और आज मैं अम्मी को लेकर जा रही हूँ जी हॉस्पिटल, तो वहाँ से हमने नंबर लगवाया है कल, तो उन्होंने आज का टाइम दिया है, तो आज हम जा रहे हैं और भाई भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो अम्मी का टेस्ट करवाना है, जो घुटनों का दर्द है इसका टेस्ट करवा के, तो उसके बाद आपको पता है हमें टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी, तो हमने इफ्तारी भी करनी है। तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कहा है कि आप वैसे भी आ रहे हो, उन्होंने कल व्लॉग देखा हमारा ना, कहती है आप लोग आ रहे हो उस साइड पर, तो आप हमारे घर आओ। मैंने कहा हम आपके घर नहीं आ सकते, तो हम कहीं बाहर मतलब मिल लेंगे। वो कहते हैं ठीक है, आप ना उधर बुफे डिनर जहाँ पे होता है ना, कहते हैं सारा जो है ना मैं खुद खर्चा करूँगी, लेकिन आपने आना ज़रूर है हमारे साथ, अफ्तारी जो है ना आज की हमारे साथ करनी है। तो फिर मैंने अम्मी से कहा है भाई को भी साथ ही लेकर चलते हैं और हम तीनों साथ चलते हैं और इफ्तारी भी हमारी वहीं पर हो जाएगी और थोड़ा सा ना माइंड जो है ना वो भी फ्रेश हो जाता है बंदे का, एक ही जगह पे बैठे बैठे टेंशन कर करके ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, आज मैं भी थोड़ी बहुत तैयार हो गई हूँ, मैंने कहा चलो तैयार होके जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह चले। फिर आपकी जो रिपोर्ट थी पहले वाली वो भी लेकर जाओ साथ, ठीक लेकर जा रही हो? चलें जी, तो अभी हम जा रहे हैं। भाई भाई तैयार हो गए? तो अम्मी के कपड़े मैंने प्रेस किए हैं, भाई के भी प्रेस किए हैं कपड़े, माशाल्लाह आज अम्मी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। चलो हंसी तो थोड़ी सी, मुसाक भी लगाया ऐसे। तो अभी जी गाड़ी हमारी आ गई है और अभी हम जा रहे हैं। चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह, ईद पर आप सब दोनों को सबको ले जाबा को भी समावे के बच्चों को ईद पर ले जाऊँगी, ठीक है? ईद पर इंशाल्लाह हम बहुत इंजॉय करेंगे, ईद के दूसरे दिन चलेंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना, ये बस अम्मी की दवाई लेनी थी इसलिए हम लोग जा रहे हैं, और एक ही गाड़ी में सब आ भी नहीं सकते, इसलिए ईद पर फिर अम्मी नहीं जाएंगी, फिर हम सब जाएंगे, ठीक है? अम्मी अम्मी को भी घुमा आती हूँ। चलो बैठो, क्या कर रही हो फिर? चलो देर हो रही है, तो अभी 4:00 कई 20-25 मिनट हो गया है ना, तो अभी हम जा रहे हैं। हाँ जी चले अम्मी बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, तुम आ जाए ना, खाना बना रही है दादी। माँ सो ना, आप बहुत देर से आएंगे। हाँ दवाई लेने गई है ना, वो वैसे खाना हम बता रहे हैं दादी माँ, समा गए कि दादी माँ को तो मुझे दर्द होता है ना, टेस्ट वगैरह कराने थे, तो गए उधर डॉक्टर के पास, तो आज समाज तो वीडियो बनाएगी और खाना बनाएगी, खाने पीना बड़ा नहीं बनाना, हमने थोड़े से बस मूँगी से और शायद खा के आए, उधर के देर हो जाएगी, हफ्ता हो जाएगी, टाइम से हो जाता है, इसलिए तभी ना ये प्याज भरने आ गया, इसमें अब ये टमाटर होगा, अभी प्याज भरने डरती नहीं हो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पानी डाली इतने आ गए पीछे, थोड़ा सा अभी कुछ मसाले डालते हैं, सबसे पहले नमक डालते हैं, लाल मिर्च डाल बस, कम डाल डाल बाद में डालेंगे ना, पहले भी डालते हैं नहीं, बाद में डाल देते हैं, अच्छा हो जाएगा, मिक्स करो अच्छी तरह, मिक्स करो सब दिन में, बाद में डालेंगे मिक्स करो, थोड़ा पानी डाल के
तो ये सारे अच्छे से हो गया, आग जलाओ थोड़ी सी, तो भून जाए तो बाद थोड़ा पानी डाल देना। इसलिए तो समारे खाना बना रही है और ये बच्चे इंशाल्लाह ताला हम ठीक ठाक हो जाएगी, शाम को वापस आ जाएंगे। हाँ तो मतलब मेरे उधर खेल रहा है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, वैसे खेलते रहते हो, खाम खा पानी डालते रहते हो हैं? तो लैब अभी आ गई किचन किचन में, हम तो कुछ बनाते भी नहीं है, बस नींद करते रहते हैं। तो भूनी आगे इसमें पान डालते हैं। काफी है, मिक्स कर लो थोड़ा हला के। अब इसको बनना पकाओ, इसके रख देंगे। रही हूँ, देख माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, पता नहीं अमन कहाँ की है। अमन इधर आओ, ओ क्या कर रही हो यहाँ पे? पीला थी। क्या देखने? ओ, जमल कहाँ है? जमेल इधर आओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आज अबू के बगैर मजा आ रहा है घर में? नहीं, मैं भी जा रहा। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ एक मिनट, नीचे। ये बालों को क्या हुआ? क्या क्या हुआ? भागो मत, इधर तो आओ। जमेल मैं तो चला, तू आ जा। जमेल जा रहा है और ये देखो हमारे जानवर खड़े हुए हैं, घास खाने हैं, कभी बैठे हुए हैं। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से, देखें कितना प्यारा हमारा गांव लग रहा है माशाल्लाह से। गद्दम भी पीली हो गई है, येलो मतलब। आओ मुजम्मिल, कहाँ जा रहे हो? फिर जा रहे हो, आया वो फिर चला गया। क्यों, कैसे आऊंगी? नहीं आ सकती, आओ चलो। अभी ना माता हूँ, आँखें बंद करना, आँखें बंद। मुजम्मिल मेरे ऊपर मट्टी साड़ी गिरा कर चला गया, ऐसे छोटा तो है, इतनी समझ है नहीं, फिर क्या करें। ठीक है, चलो अभी ना मैं नीचे जा रही हूँ। तो आज अभी स्कूल में बहुत मज़ा आया है, बहुत एंजॉय किया है, तो अब ना मैं बहुत अच्छी पढ़ी मतलब मेरी जा रही है। तो अभी ना मुझे डरा भी दिया मुजम्मिल, इधर आओ अब, डरा दिया। कभी नीचे जाते कभी ऊपर आता है, क्या मसला है? तुमने तो कहा था नीचे आओ। तो मैं भी अभी नीचे जा रही हूँ।